नमस्कार, लघुराम.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पांडे। कोरोना काल है, ऐसे में लोगों को कुछ अच्छा खाने का मन करता है और मीठा तो ज्यादातर सभी को पसंद भी होता है। तो आज हमारे साथ कुछ अच्छा डिश बनाने के लिए कविता जैन मौजूद है। सबसे पहले तो आपका लघुराम.com में स्वागत है। थैंक यू। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम डार्क चॉकलेट टफल केक बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कहते हैं केक रेडी करके रखा है। ये प्रीमिक्स से बनाया हुआ है। मार्केट में अलग अलग कंपनी के प्रीमिक्स अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी कंपनी का प्रीमिक्स लेके बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले इसको 3 लेयर में कट करेंगे। ये बनाया कैसे आपने? ये प्रीमिक्स लेंगे, उसमें सिर्फ पानी और थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगे हम, और नॉर्मल जैसे ओटीजी में मैंने इसको बेक किया है। आप अगर ओटीजी नहीं है तो आप कुकर में भी बेक कर सकते हैं। कुकर में किस तरह से बेक किया जा सकता है? कुकर में आप कहते हैं कुकर की सीटी और रिंग निकाल दीजिए और उसको पहले 10 मिनट प्रीहीट में रख दीजिए और फिर उसमें केक स्टैंड लगा के केक रख दीजिए और कम से कम आधा से पौन घंटा लगेगा आपको कुकर में स्लो आंच में इसको करेंगे। ये ऊपर का हम इसलिए कट कर रहे हैं कि सोकिंग बराबर होता है। आप केक बना रही है तो आपने मतलब केक बनाने की शुरुआत कैसे की? शुरुआत तो एक्चुअली केक घर में सभी को बहुत पसंद है, तो बस ऐसे ही हॉबी था कुछ बनाने का। तो केक नॉर्मल प्लेन केक तो हम बनाते ही थे, तो फर्स्ट टाइम आइसिंग का ट्राई किया, मतलब सीखा मैंने तो अच्छा लगा। और घर पे फिर ऐसी घर पे बनाते बनाते प्रैक्टिस होते होते प्रोफेशनल हो गया। ये 3 लेयर में हमने कट कर दिया है। अभी हम इसको चॉकलेट के लिए हम चॉकलेट टफल सॉस बनाएंगे, तो वो जैसे मैंने रेडी करके रखा है। ये उसके लिए हमको डार्क चॉकलेट लगेगी। डार्क चॉकलेट आपको मार्केट में अलग अलग कंपनी में मिलेगी। मैंने मोडे का यूज़ किया है। तो डार्क चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे और उसमें अमूल फ्रेश क्रीम डालेंगे। ये मैंने 200 ग्राम चॉकलेट लिया है और उसमें 100 ग्राम हम अमूल फ्रेश क्रीम डालकर उसे मेल्ट करेंगे। अगर आप सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करेंगे तो थोड़ी देर में वो जम जाएगी। उसको इस टाइप से लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए हम उसमें क्रीम ऐड किए हैं। तो अभी ये कितने देर भी बने फ्रिज में भी रखेंगे ना, तो वो जैसे चॉकलेट हार्ड हुई भी रहती है उतनी हार्ड ही नहीं होगी, ये सॉफ्ट ही रहेगा। ये शुगर सिरप है, शक्कर और पानी का। ये डालना ज़रूरी होता है? इससे ना थोड़ा सॉफ्ट रहता है केक, क्योंकि हम डार्क चॉकलेट केक बना रहे हैं इसलिए हम इसमें टफल सॉस डालें। डार्क चॉकलेट टफल केक है हमारा, तो इसके अंदर हम टफल सॉस डाल रहे हैं। कितने टाइप्स की केक आप बनाती हैं? टाइप्स तो कम से कम 8 से 10 टाइप के तो बना ही लेते हैं। ये चॉको चिप्स है। ये जरूरी नहीं है टेस्ट वाइज, जैसे चॉकलेट है तो चॉकलेट केक में ऐसा है कि जितनी चॉकलेट डालें उतना ज़्यादा टेस्ट आता है। अगर आप चॉकलेट ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर डाल सकते हैं, और कम चॉकलेट पसंद करते हैं तो फिर नहीं भी डालेंगे तो कोई वो नहीं है। ये हर लेयर में हम उसको थोड़ा शुगर सिरप से सोकिंग करेंगे। इसके अलावा आपकी और क्या मतलब कौन कौन की तरह के केक आप बनाते हैं? कौन कौन सी तरह के कौन सा वाला आपको ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने में? आपका फेवरेट कौन सा है? जो मैं आपको बता रही हूँ मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मेरा एटलीस्ट, मेरे घर वालों का भी बहुत फेवरेट है। घर में सभी अगर फर्स्ट केक अगर बनाना है चॉइस, अगर जैसे कुछ पूछे कि कुछ भी है तो क्या केक बनाना है, तो सबसे पहले टफल केक। उसके अलावा दूसरा केक कम पसंद, मतलब पसंद करते हैं लेकिन बहुत कम। और केक की वैरायटी जैसे आप पूछ रहे थे, तो उसमें पाइनएप्पल, सारे फ्रूट्स के केक्स बनते हैं, पाइनएप्पल, बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, मैंगो। इसको बनाने में खर्च कितना लगता है?
डार्क चॉकलेट है, नॉर्मल अगर अपन केक बनाएंगे तो उसके करते ये वाले केक में थोड़ा सा आपका बजट ऊपर जाएगा क्योंकि इसमें चॉकलेट सारी है, और नॉर्मल हम क्रीम का केक बनाएंगे तो उसमें हमारा कम बजट जाएगा। मैं ऑर्डर्स भी लेती हूँ केक के और थीम के अकॉर्डिंग भी केक बनाते हैं, जैसे अभी बहुत चल रहा है कि थीम के अकॉर्डिंग हमको केक चाहिए तो वो वाला केक भी बनाती हूँ, और जैसे फिर कस्टमर की डिमांड पे वेलवेट केक, टपल केक, ब्लैक फॉरेस्ट जो भी अगर डिमांड करे वैसा। अब हम केक को पूरा क्रीम से कवर करेंगे। ये मैंने क्रीम बीट करके रखा है, ये व्हिपिंग क्रीम है जिसको बीट करके रखा है। इसको हम चॉकलेट केक बना रहे हैं इसलिए इसको, ये वेनिला फ्लेवर में है, इसको हम चॉकलेट फ्लेवर में करेंगे। तो उसके लिए हम ये जो टफल सॉस हमने बनाया है उसको थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे। आपने केक बनाने की शुरुआत कैसे की, मतलब क्यों लगा कि केक ही बनाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली कभी ऐसा सोचा नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्टिंग घर पे ही अपने शौक से, मतलब एक सीख के आई थी मैं अपनी फ्रेंड से, तो मैंने उसको घर पे ट्राई किया तो मुझे वो अच्छा लगा और सबको पसंद आया, तो उसके बाद ही मैंने उससे क्लास अगर और भी डिज़ाइंस अगर सीखने के लिए मैंने क्लासेस की। फिर बस घर पे बनाते बनाते इतनी प्रैक्टिस हो गई, आज और फैमिली के कि आज हमारे लिए बना देना, इस टाइप से बनाते बनाते वो। और लोग आपसे जैसे कि अगर आपकी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं आपसे? मेरे कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। दूसरा इंस्टाग्राम में भी मेरा कविता जैन के नाम से है पेज। ये हमारा चॉकलेट क्रीम रेडी हो गया है, और डार्क करना है तो हम इसमें और टफल सॉस ऐड कर सकते हैं। ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से है कि अगर आपको और ज़्यादा चॉकलेट, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें चॉकलेट भर, मतलब चॉकलेट ही डाला है इसलिए इसको मैंने थोड़ा लाइट रखा है। अभी हम इसे पूरा कवर कर रहे हैं। हाँ, जैसे अगर आप कम क्रीम पसंद करते हैं तो ये बेस्ट है क्योंकि अंदर पूरा चॉकलेट आ गया है, अंदर क्रीम नहीं आया है। जैसे सबका रहता है कि भाई क्रीम कम चाहिए, तो क्रीम अंदर मैं जैसे बनाती भी हूँ, ऑर्डर भी लेती हूँ मैं, तो उसमें मेरे कस्टमर की डिमांड रहती है कि क्रीम हमको कम चाहिए, तो क्रीम अंदर मैं बहुत कम रखती हूँ, बट ऊपर मुझे रखनी पड़ती है क्योंकि अगर आप ऊपर क्रीम नहीं रखोगे तो आपका केक कवर नहीं होगा और जो भी आपको शेप देना है, डिज़ाइन देना है, तो वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्रीम बाहर ही एक्स्ट्रा रखते हैं, अंदर में क्रीम बहुत कम रखती हूँ मैं। कस्टमर्स का फीडबैक कैसा रहता है आपके केक को खाने के बाद? अभी बहुत सबको पसंद आ रहा है कि नहीं, जैसा हमको चाहिए कि कम, जैसे किसी को मीठा कम चाहिए, किसी को क्रीम कम चाहिए, तो सबको पसंद आ रहा है। तो अभी इसमें कम क्रीम डाला हुआ है, इसमें हमारी अंदर तो क्रीम ही नहीं डाली है, अंदर हमने चॉकलेट डाली है क्योंकि चॉकलेट पूरा पसंद, यानी जैसे ज़्यादा चॉकलेट पसंद करें, अगर आप कम चॉकलेट पसंद करते हैं तो आपने जो ये क्रीम रेडी किया है हम इसको भी अंदर लेयर में डाल सकते हैं। तो ये आपका सिर्फ चॉकलेट केक हो जाएगा। अभी मैंने डार्क चॉकलेट केक बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने इसमें अंदर पूरा डार्क चॉकलेट ही डाला है, मतलब टफल सॉस डाला है। आप क्रीम भी डाल सकते हैं तो वो थोड़ा चॉकलेट ही कम हो जाएगा। अब इसको बनने में कितना टाइम लगेगा? ये ऑलमोस्ट केक हमारा कवर हो गया है, टफल हमको इसको टफल करना है इसलिए इसको हमें आधा घंटा के लिए फ्रिज में सेट करके रखना पड़ेगा। उससे ऊपर का जो लुक आता है बहुत अच्छा आता है। जैसा कि आधे घंटे पूरे हो चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं केक के आगे की प्रोसेस की ओर। मैम क्या करने वाली हैं अब? मैं इस, ये फ्रिज में हमने आधा घंटा रखा था, ये सेट हो गया है,
आप उसको आधा से एक घंटा तक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज़्यादा देर भी रख देंगे तो। अब हम इसमें टफल सॉस डालेंगे, ये जो हमने बनाया था इसको मैंने थोड़ा और लिक्विड कर दिया है। कितना डाल सकते हैं, जितना पहले नहीं था तब? वो जितना एक्स्ट्रा होगा ना वो निकल जाएगा। ये सॉस डल गया, आप इसके बाद क्या करेंगे? इसको अब हम डेकोरेट करेंगे। 5 मिनट इसको थोड़ा सा सेट होने देंगे। अभी और 5 मिनट लगेंगे केक को सेट होने? हाँ, ये एक्चुअली चॉकलेट थोड़ा सा सेट हो जाए। आपके पास ऑर्डर्स भी आते हैं, आप केक भी सेल करती हैं? हाँ। तो बाजार से कितने कम दाम पर आपकी मतलब सेल करती है? ऐसा है, बाजार में जो आपको एक पाउंड मतलब बोलते हैं एक यूनिट, वो रहता है 250 ग्राम का, पर मेरा प्रॉपर 400 ग्राम का मैं केक बनाती हूँ। मतलब बजट के अकॉर्डिंग और टेस्ट भी अच्छा मिलता है? हाँ, टेस्ट अब ये ऐसा है कि घर पे बना रही हूँ तो मेरा पूरा साफ मतलब क्लीन रख के और क्वालिटी वाइज बना रही हूँ कि अच्छी क्वालिटी का बनाना है, कि मुझे केक पसंद है वैसे ही सभी को केक पसंद है, तो केक अगर वो लोग खा रहे हैं तो अच्छा खाएं, टेस्टी खाएं। इसलिए बाहर का तो अब पता ही हमें कि क्या डला है उसकी कोई वो नहीं रहता है, इसलिए मैं अपना जैसे मैं खुद घर पर अपने लिए बनाती हूँ, अपने परिवार वालों के लिए बनाती हूँ, वैसा ही कस्टमर के लिए बनाती हूँ। तो कस्टमर्स आपसे किस आईडी से जुड़ सकते हैं या किस नंबर से संपर्क कर सकते हैं? मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ, 831-927-5445। एक नंबर और है 810-367-4403। बिल्कुल, तो इस नंबर से आपसे ग्राहक जुड़ सकते हैं। और जैसे कि अगर उनको आपसे सोशल मीडिया के जरिए जुड़ना है, आपकी रेसिपी जाननी है, तो फिर कैसे जुड़ सकते हैं? तो आप इंस्टाग्राम से देख सकते हैं, मेरा कविता जैन के नाम से है पेज मेरा, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये हमारा टफल सॉस जितना एक्स्ट्रा था वो निकल चुका है, इसको हम अब सेट करेंगे। मैं सुंदर नगर से हूँ, सुंदर नगर मदर्स प्राइड स्कूल के पास है मेरा घर, और मैं घर से ही बनाती हूँ। तो जैसे भी अगर किसी को ऑर्डर करना है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी फाइनल डेकोरेशन बाकी है। हाँ। पूरी साफ सफाई से ये केक बन रहा है। ये डेकोरेशन के लिए हम चॉकलेट्स अगर डालेंगे, चॉकलेट केक है तो जितनी उसके बाजू वाला ये स्टिक, हाँ चॉकलेट स्टिक, हाँ चॉकलेट केक है तो जितनी चॉकलेट डाल दो कोई वो नहीं रहता उससे, मतलब इसमें चॉकलेट से ही मेन डेकोरेशन करना। चॉकलेट केक है तो फिर उसमें पूरा टोटल चॉकलेट ही रहेगा। ये क्या डाला? ये सॉस चॉकलेट, सब चॉकलेट की जितनी वेराइटी आप डाल सकते हो डाल दीजिए इसमें। ये चोको चिप, हाँ ये गोल्डन कलर है, ये टेबल कलर है, इसको हम डेकोरेशन के लिए डाल रहे हैं। मैम ये कलर नुकसान तो नहीं करता? नहीं नहीं, ये सभी टेबल कलर हैं, ये कोई मतलब नुकसान नहीं करता, इसको आप डाल के केक को और बेटर बना सकते हैं। इस तरह के कलर भी बाजार में आसानी से अवेलेबल होते हैं? हाँ, ये आपको जहाँ केक का सामान मिलता है वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो केक रेडी हो गया? हाँ केक रेडी हो गया है। अभी आप क्या करने वाले हैं? हम इसको चोको चिप से भी इसकी बाउंड्री कर सकते हैं कि और। मैम जब आपने केक बनाने की शुरुआत की, हाँ तो मतलब सबसे पहला
क्या रिएक्शन आया घर वालों को, मतलब क्या सोचा घर वालों ने कि केक बनाने को लेकर के? कब से केक बनाते आ रही है, क्या शादी से पहले से भी केक बनाती आ रही है? नहीं, मुझे 5 साल हो गए हैं और केक बनाने की शुरुआत मैंने कब की, वो तो मतलब केक बनाना तो घर पे से ही स्टार्ट किया। बट आइडिया कैसे आया कि केक बनाना चाहिए, क्यों लगा कि केक ही बनाना चाहिए? आप दूसरे आइटम्स भी बना सकती थी। हाँ, बना सकती थी, लेकिन केक बनाना ही क्यों लगा जरूरी है? पहले प्लेन केक ही बनाती थी, वो बहुत शौक से खाते। उसके बाद बस ऐसे ही एक बार आइसिंग का फर्स्ट टाइम बनाया तो सब घर वालों ने बहुत पसंद किया। जब कोई चीज़ पसंद करते हैं तो हम उसको सेकंड टाइम बनाते हैं। सेकंड से थर्ड टाइम होता है कि नहीं पसंद आ रहा है सबको, तो फिर पसंद की चीज़ घर पे पहले बनाई जाती है। ये हमारा केक रेडी हो गया है, बस पसंद की चीज़ बनाते बनाते उस फील्ड में आगे बढ़ते चल दिए। ये आप केक रेडी हो चुका है, तो देखिए बहुत ही सुंदर केक यहाँ पर रेडी हो चुका है और हम तो इसे खाने के बाद ही बताएंगे कि ये कैसे बना है। लेकिन अगर आपको इनसे संपर्क करना है तो इंस्टाग्राम पे कविता जैन नाम से इनकी आईडी है और जैसा कि इन्होंने नंबर पहले बता चुका है तो इस माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो आप हमें www.com के फेसबुक पेज पर कमेंट कर बताएं, हम आपके टैलेंट को जन जन तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।